बीजेपी ने जमीनी इंतहाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। वलीब नगर से हिम्मत सिंह जाला और दरीबाद से खेत संग मेना मरहूम एमएलए के खानदान को टिकट नहीं मिली है। सचिन पायलट और आचार्य प्रमोद कृष्णम को यूपी पुलिस ने रातों रात हिरासत के बाद रिहा कर दिया है। सचिन पायलट को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर यूपी पुलिस सुबह सवेरे लेकर आई है। पायलट और आचार्य प्रमोद को किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर खेरी जाने की इजाजत नहीं थी। सहूलत की जमीन पर बनाए गए घर की लेज नहीं मिलेगी। राजस्थान हाई कोर्ट के हुक्म के बाद शहरी तरक्की का महकमा बैक फुट पर आ गया है। नजरसानीशुदा आर्डर जारी करके सहूलत के इलाके को लेज पर देने पर पाबंदी लगाई गई है। लखीमपुर खेरी मार्च से पहले गुड़साना किसान तहरीक में मुआहिदा। कांग्रेस जो यूपी में किसानों के तशद्दुद को मसला बना रही है, पानी का मसला हल किया। गंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों के 10 दिन से चलने वाले मुतालबात को मान लिया है। खातून मुलाजिम से छेड़छाड़। जयपुरिया सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रनावत को हटा दिया गया है। खातून मुलाजिम ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मसला नस्लें बदल गई है लेकिन किसानों को खेतों में रास्ता नहीं मिला। जिला में 377 केस अभी तक जेर अल्तवा है। इंतजामिया देहातियों को रास्ता देगी, देहात के साथ मुहिम चलाई जाएगी। रियासत के 3 टाइगर रेजरों को अहतों में कैद शेरों की सेहत खराब करने के लिए इन्हें फास्ट फूड पर जिंदा रखना होगा। इनका कुदरती खाना परिबेस यानी सिंबल चेतल वगैरह छोटे दीवारों में दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में शदीद जलजला में 20 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई सौ लोगों के जख्मी होने की अतला है। जलजला के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस के रहनुमा और कर्नाटक के साबिक वजीर आला एस डी कुमार स्वामी के बाद कर्नाटक कांग्रेस के सरबराह डी के शिव कुमार ने भी रियासत में ब्यूरोक्रेट्स को तरबियत देने के लिए राष्ट्रीय स्वयं शिव सिंह आरएसएस पर तनकीद की है। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 3 रोज कबल तशद्दुद में मारे गए किसानों के अहले खाना से मुलाकात के लिए लखीमपुर पहुंच चुके हैं।